एंड वेलकम टू आवर चैनल गोयल क्लासेस। आज की वीडियो में हम अपना क्लास 10th का जो हमारा पहला चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हम उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं काफी स्कूल्स में, हम अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर आज एक क्विक रिवीजन सीरीज है ये, जिसमें हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को, साइंस के और मैथ्स के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। आज की वीडियो में अपना फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज एनी प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड, एंड जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी। बेसिकली कुछ ए प्लस बी हमारा रिएक्ट करके, ए प्लस बी एक आपस में रिएक्ट कर कर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं सी। इस सी की प्रॉपर्टीज इस ए और बी दोनों से ही डिफरेंट है। सो ये जो नया सब्सटेंस बना है यहाँ पर नई प्रॉपर्टीज के साथ, इस पूरे प्रोसीजर को जिसमें ए प्लस बी ने रिएक्ट करके सी बनाया, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। एंड यहाँ पर सी के साथ प्लस सी प्लस डी मतलब वन या वन से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर में इक्वेशन। सो व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। मैंने जो यहाँ पर लिखा ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, दिस इज आर केमिकल इक्वेशन। बेसिकली हम जो भी रिएक्शन हो रही है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, सो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अगर कंपाउंड्स हैं, अगर कंपाउंड्स है आपका कोई रिएक्टेंट, तो प्रॉपरली हमें पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना होगा। एंड अगर कोई मेटल है या कोई एलिमेंट यूज कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट, सो हम उस एलिमेंट का सिंपली सिंबल वहां पे लिख देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें हमेशा, एवरी टाइम यू शुड प्रेफर टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बिकॉज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स यू अ क्लैरिटी। सो इक्वेशन को बैलेंस कैसे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है वो भी हम चैप्टर के एंड में देखेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में मेजरली हम किसी भी अगर सपोज कोई रिएक्शन हो रही है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं? केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेजरली हम फाइव चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट इज चेंज इन कलर, सेकेंड इज चेंज इन ओडोर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर या एवोल्यूशन ऑफ गैस। इन पांच में से कोई भी अगर एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि इन पांच क्वांटिटीज में से कोई भी एक चीज आप चेंज होती हुई देख सकते हैं अगर किसी रिएक्शन में, देन इट इज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेंज इन कलर की बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा रिएक्शन होता है जिसमें आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर कर आपका आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, चेंज इन कलर हमें दिखता है कैसे? CuSO4 ओरिजिनली ब्लू कलर का होता है, एंड जब ये ब्लू कलर का CuSO4 आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो फेरस सल्फेट बना, ये जो फेरस सल्फेट बना है ये ग्रीन कलर का होता है। सो आपने क्या देखा, ब्लू टू ग्रीन कलर चेंज हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। देन अगर हम बात करें ओडोर की, और भी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में गिवन है जब KI PbNO3 होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करता है तो PbI2 बनता है। बेसिकली KI और PbNO3 होल ट्वाइस दोनों ही कलरलेस होते हैं, एंड जो PbI2 फॉर्म होता है वो येल्लो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। रिएक्शन होती है KI+PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbI2+KNO3, जिसमें ये KI और PbNO3 होल ट्वाइस दोनों ही रिएक्टेंट्स आपके कलरलेस होते हैं, एंड जो आपका PbI2 है प्रोडक्ट वो येलो कलर का होता है। सो कलरलेस टू येलो हमने एक चेंज देखा। नेक्स्ट हम बात करें अगर चेंज इन ओडोर की, चेंज इन ओडोर कब ऑब्जर्व, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे जब आयरन सल्फाइड आपका रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
आयरन सल्फाइड को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं या ट्रीट करते हैं बेसिकली, तो उस टाइम पर हमारे क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट्स, फेरस सल्फेट प्लस H2S. व्हेन FeS रिएक्ट्स विद डाइल्यूट, ये ध्यान रखना है डाइल्यूट H2SO4 है, तो क्या मिलता है आपको, फेरस सल्फेट प्लस H2S. ये जो H2S गैस है, इस H2S गैस की वजह से कैसी स्मेल आती है, रॉटन एग स्मेल. सो इसको हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या देखा, चेंज इन ओडोर. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट हम कैसे एग्जाम्पल हो सकता है चेंज इन स्टेट का, फॉर एग्जाम्पल जब H2 और O2 रिएक्ट कर कर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. H2 और O2 हमारी दोनों ही गैसेस हैं, एंड जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है. सो गैसियस टू लिक्विड स्टेट यहाँ पर चेंज हमें दिखा. देन अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर की, बेसिकली कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है या हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़ रही है, सो उसमें रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर नोटिस करेंगे. नेक्स्ट अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें, सो ये वाला जो रिएक्शन हमने देखा इसको भी एवोल्यूशन, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है एवोल्यूशन ऑफ गैस का, बिकॉज H2S गैस इज रिलीज्ड. या फिर अगर एक और एग्जांपल की बात करें, तो जब जिंक आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2+H2 गैसेस रिलीज. गैसेस को कैसे दिखाते हैं, ऐसे अपवर्ड एरो से कि गैस इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन में. सो ये था हमारा बेसिक डिस्कशन अबाउट केमिकल रिएक्शन, एंड बेसिकली उसकी किसी भी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी की क्या क्या चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में. नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम दो चीजों के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर. ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर मीन्स हम दो टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस देखने के लिए मिलते हैं हमें, एक एक्सोथर्मिक एंड एक एंडोथर्मिक. बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर का क्या मतलब है कि एक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है यानी कि रिलीज होती है, एंड एक रिएक्शन में हीट आपकी चाहिए होती है, बेसिकली देनी प्रोवाइड करनी पड़ती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, जिनमें हीट रिलीज होती है, व्हेन हीट इज रिलीज्ड, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमें उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है बेसिकली, या फिर और क्या बोल सकते हैं कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द केमिकल रिएक्शन. एग्जाम्पल अगर हम देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है जब कार्बन रिएक्ट्स विद O2 गैस, तो CO2+ हीट को आप ऐसे डेल्टा से भी शो कर सकते हैं इस ट्राइंगल के साइन से, या फिर आप सिंपली हीट लिख भी सकते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है. नेक्स्ट आपका अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करूँ, तो सपोज जब N2 और O2 का रिएक्शन होता है तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है. अब हम यहाँ पर रिएक्टेंट के साथ भी प्लस हीट करके लिख सकते हैं, या फिर इस एरो के ऊपर भी हम हीट लिख सकते हैं या डेल्टा साइन बना सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, एंड वी गेट 2NO एज द प्रोडक्ट. सो ये है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमें हीट एब्जॉर्ब होती है हमारी. सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर. नेक्स्ट हम किस चीज के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं किस केमिकल रिएक्शन को, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन. नेचर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर मेजरली पांच कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं हम अपने केमिकल रिएक्शन को. फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ रिएक्ट कर कर कंबाइन होते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल इधर लिख लेते हैं. बेसिकली दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ रिएक्ट करके कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव्स CO2, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कार्बन और O2 एक साथ कंबाइन हुए और एक प्रोडक्ट फॉर्म करा, वो प्रोडक्ट क्या है, CO2. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट टाइप कौन सा है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन.
अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही हम देख सकते हैं, बेसिकली डीकॉम्पोज होने का मतलब क्या होता है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं किसी चीज को। सिमिलरली यहाँ पर है कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं इंटू स्मॉलर या सिंपलर सब्सटेंसेस। बेसिकली कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में ए प्लस बी मिलकर सी बना रहे थे, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा डी जो ब्रेक होकर हमें दो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स देगा। ठीक है, सो अब जो हमारी डीकॉम्पोजिशन है, डीकॉम्पोजिशन फर्दर तीन टाइप्स के हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकॉम्पोजिशन एंड फोटो डीकॉम्पोजिशन। अब थर्मल नाम से ही हम देख सकते हैं, बेसिकली इधर डिस्कस कर लेते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल मीन्स एनर्जी। सो थर्मल डीकॉम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन इज बेसिकली व्हेन डीकॉम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू हीटिंग। मतलब जब हमें किसी भी रिएक्टेंट को डीकम्पोज कराने के लिए हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही हो, उस डीकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब आपका बेसिकली लाइमस्टोन जो होता है CaCO3, लाइमस्टोन की डीकम्पोजिशन इज अ थर्मल डीकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि इस CaCO3 को हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, हीट, इस हीट की वजह से ये CaCO3 ब्रेक होता है CaO और CO2 में। ओके, सो लाइमस्टोन का बेसिकली, लाइम वाटर नहीं, दैट वाज आई एम सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, लाइम वाटर नहीं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। सो डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट, और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, देन डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट इज KClO3। सो KClO3 की डीकम्पोजिशन भी कैसी होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हमें 2KCl+3O2 एंड ओवर वी हैव 2KClO3। सो दिस इज ऑल्सो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप क्या था डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। सो इलेक्ट्रोलाइटिक जैसा नाम से पता लग रहा है, बेसिकली इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हमारी डीकॉम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होगी तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन का सबसे फेमस एग्जाम्पल है डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं हम वाटर के थ्रू, तो वाटर के अंदर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है और वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर H2 और O2 में, बेसिकली वो वाटर मॉलिक्यूल जो H2O वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक हो जाता है H2 और O2 में। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा है थर्ड टाइप क्या था डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटो मीन्स लाइट। बेसिकली जब भी आपकी डीकम्पोजिशन लाइट की वजह से हो रही हो तो उसको क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, या और क्या कह सकते हैं इसको, और दूसरा नाम क्या होता है, फोटोलाइसिस। लाइसिस मीन्स, लाइसिस जो हमारा रूट वर्ड है, लाइसिस बेसिकली मीन्स ब्रेकिंग। किसी भी कंपाउंड का डीकम्पोजिशन आपका लाइट की वजह से अगर हो रहा है तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड 2AgCl, ये Ag सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब लाइट की प्रेजेंस में आते ही डीकम्पोज हो जाते हैं 2Ag+Cl2 में। एक रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है इस पार्ट से कि डार्क बॉटल्स में क्यों स्टोर करा जाता है AgCl को या AgBr को, इसी वजह से क्योंकि लाइट के कांटेक्ट में आते ही जैसे ही इस पर लाइट पड़ेगी ये डीकम्पोज हो जाएगा, तो इसलिए हम इनको डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं। वापस हम आते हैं ऊपर अपनी क्लासिफिकेशन पे। सो ये था हमारा सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट आपको नाम से समझ में आ रहा है, बेसिकली डिस्प्लेस होना। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसके एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन में, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं वो कैसे डिसाइड करते हैं, रिएक्टिविटी से।
रिएक्टिविटी के लिए हमें क्या याद रखनी पड़ेगी? अपनी रिएक्टिविटी सीरीज. सो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, देन वी हैव कॉपर, एजी, एंड देन वी हैव आफ्टर एजी प्लैटिनम, एयू इज गोल्ड. ऑल दीज एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. बेसिकली एरो की तरफ चलेंगे तो रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, यानी कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट सबसे ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है एंड जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे. फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? आयरन जब कॉपर को उसके, हमने क्या बोला, उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से, यानी कि CuSO4 में, CuSO4 इज एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर. सो जब CuSO4 में से आयरन जो है हमारा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब बात ये आई कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि FeSO4 प्लस Cu ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, तो क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगी? इस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी. क्यों? ये देखिए, ये आयरन हमारा यहाँ पे रहे, कॉपर यहाँ पे. आयरन इज रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है कॉपर के, यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. हमेशा सिर्फ मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है. कभी भी नीचे वाली जो मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो भी मेटल नीचे है मतलब लेस रिएक्टिव है, कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगी. सो दिस रिएक्शन इज नॉट फीसिबल बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो कॉपर इस आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इस बात का एक ध्यान रखना है. नेक्स्ट हमारा क्या था? ये था हमारा थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन का. नेक्स्ट हमारा है आपका फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट मींस जब आपके पास दो आयनिक कंपाउंड्स हो, दोनों आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स का एक्सचेंज हो रहा हो उनके एक्वस सॉल्यूशंस में, सो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है BaCl2 एंड Na2SO4. सो ये दोनों आयनिक कंपाउंड हैं और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट अगर आपसे बोले तो स्टेट भी याद रखने, दोनों एक्वस हैं. ठीक है, सो दो कंपाउंड्स हैं. अब इनमें क्या होगा? दोनों ही आयन सोडियम और बेरियम दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे. प्रोडक्ट क्या होगा? N2NaCl प्लस BaSO4. सो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, जब दोनों मेटल्स ने एक दूसरे को अपने एक्वस सॉल्यूशंस में डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, सो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा? फिफ्थ टाइप, रिडॉक्स रिएक्शन. बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? रिडॉक्स को ये क्लासिफिकेशन नहीं है रिडॉक्स की, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली जब किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ अकर हो तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. सो रिडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए हमें पहले उससे क्या समझना पड़ेगा? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. बेसिकली डिफरेंस लिस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में. रिडक्शन बेसिकली मीन्स तीन डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस इन द सेंस आप तीन वेज हैं ये बताने के कि ऑक्सीडेशन हो रही है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ O2, यानी कि O2 इन द सेंस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो रही है तो उस रिएक्शन वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. एंड अगर इनका ऑपोजिट हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों में से कोई हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन है. ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं. एंड रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जब
एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है ZnO+C इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स Zn+CO। सो हमें अब ये बताना है कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। कैसे देखेंगे? हमें बेसिकली रिडॉक्स बताने के लिए क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है या नहीं। अब ZnO, इनिशियली ZnO था बट प्रोडक्ट ZnO क्या हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? Zn में। यानी कि Zn के पास जो ऑक्सीजन था, ये Zn ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। दिस मीन्स द कन्वर्जन ऑफ ZnO टू Zn इज रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई। एंड कार्बन ने क्या करा, ये C किसमें कन्वर्ट हो गया? CO में। बेसिकली कार्बन ने ही ऑक्सीजन गेन कर ली। गेन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन, यानी कि दिस हाफ इज ऑक्सीडेशन। एंड बिकॉज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इस एक रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम मेटल का, सेम कंपाउंड का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा दो अलग-अलग चीजों का ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो, एक किसी एक चीज का भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज आर रिडॉक्स रिएक्शन। सो यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक रिएक्शन और होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब आपका एसिड और बेस इक्वल क्वांटिटी में किसी एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है। मतलब एसिड जो है वो बेस, बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जनरल इक्वेशन की बात करो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक, NaOH, NaOH आपका बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इट व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl, HCl इज अ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, सो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं, आपकी बुक में कॉलम है ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। सो एवरीडे लाइफ में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का अगर एग्जांपल देखूँ तो पहला है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है? रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड CO2 रिलीज करते हैं, CO2 अलोंग विद वाटर, एंड एनर्जी रिलीज करते हैं हम। सो ये रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन की अगर केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? C6H12O6+6। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस याद करनी है आपको, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, 6CO2+6H2O+हीट, हीट इन द सेंस एनर्जी। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जनरल एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन की सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोरोजन। कोरोजन बेसिकली क्या होता है? करोजन इज अ फिनोमिना जिसमें हमारा जो आयरन, बेसिकली आयरन का अगर हो रहा है कोरोजन तो आयरन के केस में हम उसको क्या बोल देते हैं? रस्टिंग। आयरन की जो भी आपने देखा होगा, आयरन के अगर हम आर्टिकल्स को बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए एयर में छोड़ दें, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो जो सब्सटेंसेस हैं उन पर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। आयरन के सब्सटेंसेस पर एक ऐसी रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है, रेडिश ब्राउन कोटिंग या पाउडर क्यों जम, जब उस रेडिश ब्राउन पाउडर को क्या कहते हैं? रस्ट। एंड ये जो प्रोसेस होता है जिससे रस्ट फॉर्म होती है, इसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग। एक चीज याद रखनी है, इस प्रोसेस को रस्टिंग कब कहते हैं? सिर्फ आयरन के केस में, अगर आयरन आर्टिकल्स पे हो रहा है। बाकी अगर और किसी में होगा, जैसे सिल्वर के लिए हम क्या कहते हैं? टार्निशिंग फिनोमिना को, अगर और किसी भी और किसी उसमें हो रहा है तो जनरल टर्म क्या है? कोरोजन। ठीक है,
सिल्वर के केस में क्या होता है, जो सिल्वर के सब्सटेंसेस हैं वो ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे टाइम के लिए अगर सल्फर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं। और सिल्वर के केस में कौन से कलर की कोटिंग बनती है? ग्रीन। तो ऐसे उन सिल्वर के एलिमेंट सब जो आपके आर्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं कि ये आर्टिकल टार्निश हो गया। तो बेसिकली अगर हम केमिकल रिएक्शन भी लिखना चाहें तो रस्टिंग की रिएक्शन अगर लिख रहे हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। रस्टिंग की रिएक्शन होती है 4Fe, बैलेंस इक्वेशन याद करनी है, 4Fe+3O2 +2H2O गिव्स 2Fe2O3.H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। एंड अगर कोरोजन की बात करें हम, कोरोजन किसके केस में कह सकते हैं? सपोज कॉपर के केस में हम इसको कोरोजन बोलेंगे। सो 2Cu+CO2+O2+H2O गिव्स CuCO3.CuOH होल ट्वाइस एंड दिस इज ऑफ ग्रीन कलर। एंड अगर अब मैं सिल्वर की बात करूं, बेसिकली टार्निशिंग की बात करूं अगर, तो सिल्वर के केस में क्या होगी रिएक्शन? 2Ag+H2S गिव्स Ag2S+हाइड्रोजन गैसेस रिलीज। ये जो सिल्वर सल्फाइड बनता है यही इसी की वजह से क्या आता है? ब्लैक कलर, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। अब अगर हम बात करें कि रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के बहुत सारे वेज हैं। ऑयल लगा के, ऑयलिंग या ग्रीसिंग से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, या फिर आप गैल्वनाइजेशन का यूज कर सकते हैं, या फिर वी कैन यूज टिनिंग एंड एलॉयिंग। सो ये हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं प्रिवेंट करने के रस्टिंग को। नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट है रैंसिडिटी का। बेसिकली रैंसिडिटी क्या होता है, ये इसी में आएगा, जनरल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम जो देख रहे थे एवरीडे लाइफ में। रैंसिडिटी बेसिकली क्या होता है, हमारे जो ऑयल्स और फैट होते हैं किस फूड आइटम्स में जो ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं वो नेचुरली एयर के कांटेक्ट में आके मॉइस्चर की वजह से मेनली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एंड ऑक्सीडाइज होने की वजह से उनमें से बैड स्मेल और बैड टेस्ट देते हैं वो। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। बेसिकली रैंसिडिटी को कैसे डिफाइन करोगे? नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड एंड ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन दे गिव बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। अब अगर रेट की बात करें तो जैसे आपने घर में भी सुना होगा कि बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में, ये रेट ऑफ रैंसिडिटी बढ़ जाता है। बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन होती है बिकॉज मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है रेनी सीजन में। फिनोमिना क्या है? रैंसिडिटी। सो रेनी सीजन में इसलिए हम बोलते हैं कि खाने को, या जैसे बिस्किट वगैरह होते हैं कि बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, सो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसलिए आपने देखा होगा कि हम खाने को हमेशा फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। सो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रैंसिडिटी को? रेफ्रिजरेट करके, सनलाइट से दूर रखना चाहिए। देन हम कोई एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के प्रिजर्व कर सकते हैं, या कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करके, या फिर एक वे है हमारे पास बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन हमारी इनर्ट होती है नेचर में। सो नाइट्रोजन बेसिकली माइक्रोब्स को और डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देती हमारे फूड पे, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फ्लशिंग। बेसिकली वी आर फ्लशिंग द फूड आइटम्स विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट डेंसिटी। नेक्स्ट आप और क्या यूज कर सकते हैं? क्रिएशन ऑफ वैक्यूम। जैसे आपका चिप्स का या लेज के जो पैकेट आते हैं उनमें वैक्यूम क्रिएट कर दी जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम वो पैकेट खोलते हैं तो वो क्रिस्प रहता है हमेशा। उसको इवैक्यूएट करते हैं अगर हम O2। वैक्यूम बेसिकली क्या होता है? जब ऑक्सीजन ना हो, यानी कि एयर नहीं है जहां पर भी, उसको हम क्या कहेंगे? वैक्यूम। O2 निकाल दी हमने सारी तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, तो फूड रैंसिड नहीं हो पाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। एक मेन चीज अब क्या बची है हमारे चैप्टर में? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमने ऊपर देखा था। बैलेंस कैसे करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को? सो 4 स्टेप्स में बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को। पहला स्टेप होता है बैलेंसिंग के लिए, जो भी मेटल्स प्रेजेंट हैं इक्वेशन के अंदर, सबसे पहले हम उन
मेटल्स के एटम को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, सेकंड नॉन मेटल्स जितनी भी प्रेजेंट है रिएक्शन में, मेटल्स बैलेंस हो गई, मेटल्स बैलेंस करने के बाद फिर आप नॉन मेटल्स को बैलेंस करोगे। अब जब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों बैलेंस कर दी, उसके बाद आप किसको बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करोगे, एंड लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। ठीक है, सो फोर स्टेप्स हैं। सबसे पहले मेटल्स को, फिर नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को, एंड फिर हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। ऐसे करते करते हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज C+O2 गिव्स CO, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन है, इसको आप केमिकल इक्वेशन है, इसको आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल कोई नहीं है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या है यहाँ पे, कार्बन, कार्बन को बैलेंस करना है। इधर भी वन एटम है कार्बन का और इधर भी वन एटम है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट हम किस पे आएंगे, ऑक्सीजन पर। अब हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने हैं। रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 2, प्रोडक्ट्स में 1, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे CO को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बट अब हमने क्या देखा, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम वापस चेक करेंगे कि इन दोनों में से कोई चीज अनबैलेंस तो नहीं हो गई, जो कि यहाँ पर हमारा हो रहा है। जब हमने ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस कर दिए, तो प्रोडक्ट में आपका कार्बन के 2 एटम्स हो गए, जबकि रिएक्टेंट में 1 ही था। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब 2C+O2 गिव्स 2CO। बेसिकली आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस कार्बन को। सो आप देख सकते हो 2 एटम्स कार्बन के रिएक्टेंट्स में, 2 प्रोडक्ट्स में, ऑक्सीजन के 2 और इधर भी ऑक्सीजन के 2। ये काफी बेसिक एग्जांपल था। एक कोई बड़ी केमिकल इक्वेशन लेकर देख लेते हैं फॉर क्लैरिटी। इक्वेशन है Al4C3+H2O गिव्स CH4+AlOH3। ये आपकी रिएक्शन है। AlOH3 मींस ऑक्सीजन के भी 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 3 एटम्स हैं। सबसे पहले मेटल बैलेंस करना है, यानी कि सबसे पहले एल्यूमिनियम बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम के 4 एटम्स हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4AlOH3, पूरी बाकी तीनों चीजें सेम रहेंगी। मेटल बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल बैलेंस करनी है। नॉन मेटल क्या है, कार्बन। कार्बन के कितने इधर एटम्स, 3, और इधर कितना है, 1, तो क्या करेंगे, 3CH4+4AlOH3। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद क्या करना है, ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट्स में 1 ऑक्सीजन का एटम है सिर्फ, प्रोडक्ट्स में अब कितने हो गए, फाइनली ऑक्सीजन के 3 थे एंड टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हैं AlOH3 के, यानी कि ऑक्सीजन के हमारे पास 12 एटम्स हैं। सो क्या करेंगे, सिंपली 12H2O। एंड इससे हम क्या देखेंगे, हमारी जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो खुद बैलेंस हो गए। चेक भी कर सकते हैं रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 24, 12 × 2। इधर 4 × 3 = 12 CH4 के, एंड प्लस 4 × 3 = 12 इधर, तो टोटल 24। सो ये हमारी हो गई इक्वेशन बैलेंस। सो ये हमारी हमने एग्जांपल देखे। बाकी इफ यू वांट की एक प्रैक्टिस शीट, बेसिकली क्वेश्चंस बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड, सो यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। तो हम आई कैन मेक अ प्रैक्टिस शीट फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, एंड आप अपने फिर आंसर्स चेक कर सकते हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। सो आप वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं इफ़ यू वांट दैट प्रैक्टिस शीट। एक लास्ट और एक चीज़ है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, आपका बेसिकली पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि अगर मुझे किसी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसका क्या तरीका है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी इक्वेशन इंफॉर्मेटिव रहे, तो 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, आप उसमें जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं या जो भी फिजिकल स्टेट्स हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, आप हमेशा फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करो। फिजिकल स्टेट्स को कैसे मेंशन करते हैं, ऐसे जैसे ऊपर हमने जब BaSO4 लिखा था तो हमने ऐसे लिखा था AQ। AQ मीन्स एक्वस, लिक्विड है तो L, गैस है तो G, सॉलिड है तो S। सो फिजिकल स्टेट्स हमेशा मेंशन करनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमें चाहिए कि हमें इंफॉर्मेटिव बनानी है अपनी इक्वेशन को, तो आप
हीट चेंजेस को हमेशा मेंशन करो। एंड लास्ट है हमारा कि जिस भी कंडीशंस में बेसिकली रिएक्शन हो रही है, सपोज कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, प्रेशर और एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही कोई रिएक्शन होती है, टेक प्लेस, बेसिकली रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स। सो ये जो कंडीशंस हैं ये मेंशन करनी चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स का अगर हम ध्यान रखें तो हमारी रिएक्शन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। सो दिस वॉज आर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 साइंस। आई होप ये वाला पूरा चैप्टर हमारा आप लोगों ने फटाफट आपका रिवीजन हो गया होगा अच्छे से। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स एंड इफ यू नीड एनी प्रैक्टिस मटेरियल यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।